इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी न जाने क्यों डर रहे, क्या डर देखा? सोचिए, नहीं बार बार केवट जी कहते हैं घर नहीं घर क्या प्रभु सरकार, यदि मेरी ना आप ये तो जानते हो कि भगवान के चरण रज के स्पर्श से नाव स्त्री नहीं होगी, नहीं ना होगी, अरे अहल्या मान स्त्री बन गई भाई, नैया थोड़े बन जाएगी। लेकिन ऊत रतिया में लक्ष्मण जी के मुंह से ये सुन रखा है कि आप सोचिए निषाद जी, राम जी के चरण रज के स्पर्श से एक पत्थर की प्रतिमा नारी बनकर चली गई, यही पकड़े है वो। कथा करे का आनंद तो भैया गांव में आओ, कोई भाई आज कह रहे थे कि कथाएं बहुत होती हैं, इतनी भीड़ नहीं होती है। हमने कहा भैया ये कथा की भीड़ नहीं है, ये अपने वाले प्रेम भूषण जी की भीड़ है, कथा तो आप बहुत सुनाते, देखो कथा तो आप हमसे अधिक जानते हो, महाराज अपने इसलिए भीड़ है। देखो एकदम आपन वाली बोलत हैं वो, ये कथवे आपन वाली है और जो सुनाएगा उसमें उसको मिक्सर करना पड़ेगा। एक कथवे अयोध्या काशी प्रयाग वही के बीच की भाषा की कथा है, ये अवधि है, ये आऊ माऊ को समझ में नहीं आवेगा। अब अभी ये बतावा रहुआ के करे समझ में आई, रावरों के करे समझ में आई, कहे के कुछ कह देते हम लोग कुछ, ये तो भैया आपन भाषा है। केवट जी क्या कह रहे प्रभु, यदि अवश्य पार जाना है तो पांव धोने की आज्ञा हो, जो प्रभु पार अवश्य का तम वही पद पद सरकार। तब चुप रहे, बोलबे नहीं भाई, तो भैया बुरा न लगाइएगा, हर व्यक्ति चाहे हम हैं आप हैं साथी लोग हैं यजमान है सुत कोई भी, जो व्यक्ति जहां स्वयं रहता है सामने वाले के बारे में उसको उसी प्रकार की कल्पना होती है। इनके घर में कछु नहीं है तो केवट जी सोचे लगता है इनके पास कुछ उतराई नबा, यही संकोच के मारे नहीं पांव धुलवा रहे, कहे नाव चढ़ी है तो कुछ देवे के परी। अच्छा यथार्थ तो यह था कि सरकार के पास कछु नहीं था, भगत भगवान को समझ गया सरकार को संकोच क्यों है। और देखिए क्या सहजा अवस्था है भगत जी की, कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई Yeah।
कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा प्रभु, उतराई नहीं चाहिए। मर्यादा के अवतार है आप, मर्यादा की सौगंध लेता हूँ। आपको विश्वास हो तो ठीक, नहीं तो पूज्य पिताजी की सौगंध ले लेता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा महाराज हैं, सौगंध लेता हूँ। अपने यहाँ अपने तक तो ठीक है, बाप बखाना तक कबर फरुअल हो जाते, छोटे छोटे लड़का लड़ जाते। जैसे बाबूजी का स्मरण किया, लक्ष्मण जी का हाथ तरकस पर गया, मार देव रे मार देव। वो बोला बर तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पाए हर हाल में प्रभु, पाँव तो पखारूंगा। भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी ने बाण रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट जी की ऐसी हठ भरी निष्ठा देखकर मेरे सरकार ठहाका लगा के हंसे। सुन के वट के बे प्रेम लपेटे भी हंसे करुणा चित माँ और लक्ष्मण जी की ओर देखकर प्रभु हंसे, अर्थात विशेष हंसे, भगवान ठहाका लगाकर हंसे। देखिए, कभी कभार हंसना भी दवा का काम करता है। बनावटी जीवन अच्छा नहीं। बैठे हैं रुसियाल दुल्हास, कुछ और सुना के देख लो, हंसे तो बताइयो। अरे न हंसो, जानते हैं इस पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको हंसने का वरदान प्राप्त है। केवल मनुष्य। कुत्ता हंसता है, गधा हंसता है, बानर तो फिर हंसत है, खूब हंसत है, खिलखिला के हंसत है। आदमी आदमी केवल। और हमको आपको भगवान से ये सौगात मिली, वरदान मिला है, तो अवसर आए बच्चों के साथ बैठो थोड़ा। अच्छा मान लो आप न हंसो, जो बच्चे हंस रहे उनका हंसन दो, जो हंसत ना है वो कोई हंसी भर दे। ऐसे एकदम चबाई जाइए लगते हैं। अरे यार हंसन बेहसे करुणा, हंसने दीजिए, हंसिए और भगवान को भी हंसाइए। ये भगत का कर्तव्य है, हंसाइए प्रभु। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान जब विभीषण जी के द्वारा बरसाए गए वस्त्राभूषणों को पहनकर कपि लोग आए हैं, आप जानते हो कपि लोग पहन के माला आए, कोई कपारे पर पहने, कोई हिया डारे। अब वहां राज वसन था तो उसको आगे पहनना चाहिए, कोई वो बूढ़ी माताओं अगमा से डारे है, पीछे बंद कर रहा है। अब वो कभी पहरे तो थे नहीं ये लोग, ये तो वन के नर हैं जो जय जय माला पहनना गले में पहरे हैं गोड़े में। भगवान सबको देखकर ठहाका लगा के हंसे। वानर लोग पूछते हैं, प्रभु आज हम कैसे लगते हैं? भगवान ने कहा, अभी आकर गए पुरंदर जितने सुंदर नहीं उतने आप सुंदर लग रहे हो। ये भगवान है हमारा, भगवान के लिए करो, भगवान में रहो। देखो भगवान कितना आपको क्या सौगात दे देते हैं, विश्वास में रहो। है सुनिए ये अंतिम मंत्र सुनिए। अरे भगवान रिझल रिझावे लकवन गुनवा, भगवान रिझल रिझावे
सब कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से हाँ कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से प्रभु जी तमाशा भइल रह गइल मुसुका के बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गइल मुसुका के बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हसठता के हाँ बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हसठता के भगवान भगवान के पास भगवान के साथ अरे इस आनंद में रहिए। मिला भगवान की शरण में डालिए मगन रहिए। हो ही रहा है सब ठीक है हो ही रहा है। ऐसे भगत को देखकर भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं जो करता रहता है लेकिन भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता। करिए ही नहीं। अरे भाई हमरे आपके साथ जो होना है जो प्रारब्ध मामा वह न हुई सब जानत है। समय से पहले भाग्य से अधिक न केहू के मिलल बा न मिली तो हाय हाय कैला से तो मिली न हाय हाय कैला से बढ़ी न। सब अपनी स्थिति में होगा। यहां से जाए को के रोड से गाँव है तो गाड़ी आप सोचो कि बस 6 बजे पहुंच जाएं, 4 बजे शुरू हो 6 बजे तो कहले से हुई चलत चलत समय तय करी तब न पहुंची। उसी प्रकार हर बात हर व्यवहार भगवान के शरण चरण शरण चरण शरण शरण चरण ऐसमें समर्पित रहिए। भगवान को हंसाते रहिए खिलाते रहिए लाड़ लड़ाते रहिए। जब जो होना है हमारे अनुकूलता से परमात्मा की कृपा अपने आप करा डाल चलने दो। हाँ उसमें नागा न हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।